अब तक कार्तिकी अपने पिता के साथ राजनीतिक सभाओं में नजर आते रहे हैं, लेकिन पहली बार वह अब खुलकर मैदान में उतर आए हैं और एक राजनेता की छवि भी उनमें विकसित होती नजर आ रही है। जी हां, बुधनी में लोगों के बीच पहुंचे कार्तिकेय ने बीजेपी और शिवराज के लिए समर्थन मांगा और राजनीतिक अंदाज में विपक्ष के नेताओं और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी पर भी निशाना साधा। दरअसल रविवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के पुत्र कार्तिकेय सिंह चौहान बुधनी विधानसभा के कई गांव पहुंचे, जहां उन्होंने किसानों सहित आम मतदाताओं से चौपाल पर बैठकर चर्चा की। इस दौरान कार्तिकेय ने कहा कि कांग्रेसियों के पास कोई मुद्दा नहीं है, कुछ भी आरोप लगाते हैं, मेरे परिवार पर आरोप लगाते हैं, जब कोई मुद्दे नहीं मिलते तो हम पर व्यक्तिगत कीचड़ उछालते हैं। साथ ही कार्तिकेय ने कहा कि एक तरफ कांग्रेस में राजा महाराजाओं की पूरी सेना है जो चांदी की चम्मच लेकर पैदा हुए हैं, जिन्होंने कभी गरीबी नहीं देखी, गरीब नहीं देखा, गरीबों का दर्द नहीं समझा। अब मंच पे जाते हैं, गलत गलत बयान देते हैं। अब मैं अपना काम कर रहा हूँ, यहाँ पर एक सामान्य कार्यकर्ता होकर मुझ पे आरोप लगाते हैं, मेरे परिवार वालों पर आरोप लगाते हैं। कांग्रेस को कोई मुद्दे नहीं मिलते, नहीं कांग्रेस को कोई मुद्दे नहीं मिलते तो हम पर व्यक्तिगत कीचड़ उछालने का काम करते हैं। तो आप ही बताइए कि आपको माननीय नरेंद्र मोदी जी जैसा नेता चाहिए जो सशक्त ठोस अच्छे फैसले भी कर सकता हो, या एक कन्फ्यूज प्राइम मिनिस्टर माननीय राहुल गांधी जी जैसा चाहिए? अब आप खुद ही सोचिए, अपने प्रदेश में आज एक तरफ आप देखोगे तो राजा महाराजाओं की पूरी सेना है, ये ऐसे ऐसे नेता हैं जो एक चांदी का चम्मच मुंह में लेकर पैदा हुए, कभी ना गरीबी देखी है ना कभी आप गरीबों का दर्द समझ सकते हैं। ये जो भारतीय जनता पार्टी है ना, ये पार्टी, ये ऐसी पार्टी है जिसमें जहाँ पर बैठा ये सामान्य लड़का देश का प्रधानमंत्री बनने का सपना देख सकता है। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, केवल एक मुख्यमंत्री के बेटे की हैसियत से नहीं आया हूँ यहाँ पर, आया हूँ मैं एक आम कार्यकर्ता की हैसियत से, और मुझे भी मेरी पार्टी मेरे साथ भी वैसा ही व्यवहार करती है जैसा एक सामान्य कार्यकर्ता के साथ करती है। मुझे कोई मेरी पार्टी केवल क्योंकि मैं मुख्यमंत्री का बेटा हूँ इसलिए सड़ाकों पर चढ़ा के नहीं रखती, लेकिन आप कांग्रेस में देखिए, आप जमीनी हकीकत आपको पता नहीं है, आपको ये नहीं पता कि मूली खेत के जमीन के नीचे उगती है जमीन के ऊपर, और आप सीधा राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। तो आप सोचिए, आप फैसला कीजिए आपको कैसी वो चाहिए। मेरे को पूरा यकीन है आप सबका आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ बना रहेगा, मेरे साथ बनाएगा, और ये धर्म और अधर्म का युद्ध है ये जान लेना। हम क्या कहते हैं जब मंदिर में जाते हैं, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, हम सब में सद्भावना हो, और मध्य प्रदेश का, पूरे देश का और विश्व का कल्याण हो। ब्यूरो रिपोर्ट, TMSGV भोपाल।